छात्रों आज हम FA1 यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 के जो हिंदी प्रश्न पत्रिका है यानी आपको दिया गया था उसका आज विश्लेषण करेंगे, यानी उसके उत्तर किस प्रकार लिखना था, आपने किस प्रकार लिखा हुआ है, आप भी इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं और अगली बार इसकी ऐसी गलती आप न दोहराएं। इसी उद्देश्य से इसी कारणवश मैं आपके सामने इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए FA1 जो हिंदी प्रश्न पत्रिका थी उसमें पहला मुख्य प्रश्न था एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट मेन क्वेश्चन क्या था छात्रों, वह था प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये कितने के लिए थे छात्रों, पांच प्रश्न थे जिसके लिए पांच अंक थे, 5 मार्क्स दिए गए थे। तो कौन से थे छात्रों प्रश्न, हमें कैसे रहना चाहिए, पहला प्रश्न था छात्रों हमें कैसे रहना चाहिए। तो इसका उत्तर था बहुत सरल, आपको पता है हमें कैसे रहना चाहिए, पहले कविता ही फर्स्ट लेसन में क्या था प्रश्न, जो हमें सबके साथ मिलजुल कर कैसे रहना है, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए हमें कैसे रहना चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस प्रकार आपका इस प्रकार लिख सकते हैं, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए एक उत्तर हुआ, और हमें सब बहुत से रहना चाहिए अगर इस प्रकार भी आपने लिखा है तो अब उत्तर सही है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए, हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। दूसरा उत्तर था छात्रों इस प्रकार लिखा था आपको, हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए, हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। एक दिन गोलू क्या कर रहा था, एक दिन गोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। यह आपको पता है मिर्च मसाला पार्ट में जो है यह प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न का उत्तर लिखता हूं मैं, तो एक दिन गोलू क्या कर रहा था, एक दिन गुरु आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। क्या पी रहा था छात्रों, दूध पी रहा था। ठीक है, एक दिन गुरु आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। दूर दूर से लोग क्यों आने लगे, यह था चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। तो दूर दूर से लोग क्यों आने लगे, गोलू के चमत्कार को देखने के लिए आने लगे, गोलू के चमत्कार को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे, गोलू के चमत्कार को देखने के लिए, गोलू के चमत्कार को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। अगला प्रश्न था, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया। सन 1965 एक शाम को, सन 1965 की एक शाम को भारत पर दुश्मनों ने आक्रमण किया। तो देखिए सन 1965
कि एक शाम को भारत पर दुश्मनों ने आक्रमण किया। अगला प्रश्न था प्रश्न दो, यानी मुख्य प्रश्न दो। मुख्य प्रश्न दो में जो था छात्रों वह है दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए, टू थ्री सेंटेंसेस आंसर का फॉर्म में इन टू थ्री सेंटेंसेस दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो देखिए इसके लिए पांच अंक थे बच्चों, तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए छह अंक, यानी एक वाक्य में 5 मार्क्स और दो तीन वाक्यों में के लिए 6 मार्क्स, यानी 6 मार्क्स, यानी 6 अंक, 5 अंक और 6 अंक मिलाकर कितने हुए 11 अंक केवल प्रश्नोत्तर के लिए थे। तो दो तीन वाक्यों में पहला प्रश्न का बच्चों, भोलू क्यों घबरा गया, भोलू क्यों घबरा गया। देखिए भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था, उसे खांसी आ गई, क्या हुआ उसके मुंह से थोड़ा सा दूध जमीन पर गिर गया या फैल गया और फैले दूध में उसे दो पंख दिखाई दिए, तो इसलिए भोलू घबरा गया। यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर छात्र ने लिखा है थोड़ा सा दूध मुंह से निकल के जमीन पर फैल गया, फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए, इससे भोलू घबरा गया। तो ऐसा नहीं था, भोलू आंगन बैठकर दूध पी रहा था, उसे खांसी आई और उसके मुंह से थोड़ा सा दूध जमीन पर फैल गया और फैले दूध से दो पंख दिखाई दिए, इसलिए भोलू घबरा गया, पंखों देखकर घबरा गया। दूसरा प्रश्न, सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया, सैनिकों को यानी सोल्जर्स को तुरंत वापस आने का आदेश ऑर्डर क्यों दिया गया। तो इसका उत्तर है दुश्मनों ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया, 1965 की एक शाम दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो इसलिए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश दिया गया, इस प्रकार आपको लिखना था छात्रों। तो अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे, अमृतसर के जो अस्पताल में जब मेजर को दाखिल किया गया, यानी उस अस्पताल में जो हॉस्पिटल में जब अमृतसर के हॉस्पिटल में मेजर था, तो उसके आखिरी यानी अंतिम उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे, उसने अपने अधिकारियों से क्या कहा। तो अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे, तो मेजर ने कहा हाँ मेरी अंतिम इच्छा है, हाँ है मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना कि तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई हैं दिल पर नहीं, यह संदेश यह बात यह वाक्य को मेजर अपने बड़े अधिकारियों से कहते हैं। तो यहाँ अमृतसर के अस्पताल में उनके अंतिम शब्द थे। तो यह थे दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखे तीन प्रश्न छात्रों, एक एक उत्तर के लिए आपको मिलते थे, यानी आपको मिले हैं जो जो छात्र लिखे मिले हैं, कोई छात्र थोड़े से छात्र लिखे शब्द की दृष्टि से वो थोड़े गलत लिखे हैं तो उनके अंक काटे गए हैं, तो दो अंक के तीन प्रश्न थे, छह अंक यह एक वाक्य के पांच प्रश्न थे, तो पांच अंक मिलाकर हुए 11 अंक। तो अभी बाकी है 9 अंक, तो 9 अंक के लिए व्याकरण भाग से कुछ प्रश्न दिए गए थे, वह क्या है चलिए देखेंगे हम। तो देखिए छात्रों अन्य वचन रूप लिखिए प्रश्न, मुख्य प्रश्न तीन में पहला था जो है वह अन्य वचन रूप लिखिए, अन्य वचन रूप लिखिए। तो इसमें था पहला प्रश्न माला, मालाएं, तो दूसरा था कविता, तो उत्तर लिखना था आपको कविताएं। पंख का उत्तर पंखी लिखना चाहता हूं,
क्योंकि पंख का उत्तर पंखे तो पंखों नहीं होता, क्योंकि कथनों पंख मैंने कहा पक्षी के जो पंख होते हैं, पंखा जो होता है पंखा का बहुवचन पंखे, पंखा पंखे होता है, पंख पंखी होता है, घर घर ही होता है। तो बहुत सारे छात्रों ने कंफ्यूज होकर उन्होंने लिखा है पंखे, पंखे नहीं चाहता हूँ, गलत है, पंखा पंखे होता है, पंख पंखी होता है। तो सही उत्तर है पंख, चौथा प्रश्न था मुर्गा, मुर्गा इसका उत्तर था मुर्गे, मुर्गा मुर्गे। तो यह थे अन्य वचन रूप लिखिए, यानी एक वचन के बहुवचन हो, बहुवचन है तो एक वचन करना है। तो इसके बाद आता है आप, आप प्रश्न में लिखा दिया गया था विलोम शब्द के अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द का अपोजिट वर्ड। तो आपको चार अपोजिट वर्ड्स दिए गए थे छात्रों, और अपोजिट वर्ड्स आर गिवन। तो देखिए वह चार कौन से थे, तो वह था पहला छात्रों विश्वास, विश्वास शब्द का विश्वास जो होता है, विश्वास का विलोम शब्द है अविश्वास, क्या है बच्चों अविश्वास, विश्वास अविश्वास। दूसरा है बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, गांव शहर, गांव शहर, विदेश स्वदेश, विदेश स्वदेश, विदेश स्वदेश। तो इसके बाद है छात्रों ई अ आ, इसके बाद आता है ई, ई में अन्य लिंग रूप लिखिए, विलोम होने के बाद अन्य लिंग रूप लिखिए। तो आपको लिखना है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग रूप लिखना है उसका, तो अन्य लिंग रूप लिखिए। तो इसमें पहला था धोबी, याद है छात्रों। तो देखिए यहाँ विलोम शब्द है अपोजिट वर्ड, विश्वास के सामने अ लगाना सही केवल अविश्वास, गांव का विलोम शब्द है शहर, गांव छोटा होता शहर बड़ा होता, तो जनसंख्या कम होती है वहां पर ज्यादा, तो बड़ा आता तो बड़ा, छोटा आता तो इसका अपोजिट वर्ड। विदेश, विदेश अर्थात दूसरा देश, हमारा देश नहीं दूसरा देश को विदेश कहते हैं, कोई भी देश हो। स्वदेश यानी हमारा देश भारत देश, स्वदेश यानी हम जहाँ रहते हैं यह देश, विदेश यानी दूसरा देश, स्वदेश विदेश, विदेश स्वदेश। तो इसके बाद अन्य लिंग रूप लिखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया था धोबी, तो इसका स्त्रीलिंग रूप लिखना था आपको धोबिन, धोबी क्या होता है धोबिन। माली, माली होता है इसका स्त्रीलिंग रूप मालिन, क्या होता है मालिन, हेमा मालिन नहीं मालिन, माली अर्थात जो बगीचे की रखवाली करता है, जो बगीचे की देखभाल करता है उसे कहते हैं माली, माली। तो माली एक पुल्लिंग शब्द है, माली अर्थात वह महिला है उसे कहते हैं माली। तो धोबी यानी जो कपड़े धोते हैं आपको पता है, जो नदी के किनारे तट पर बैठकर जो धोबी होते हैं कपड़े लोगों के धोकर उन्हें सुखवा कर आयरन करके देते हैं उन्हें कहते हैं धोबी। तो धोबी पुल्लिंग शब्द है, धोबी यानी महिला है तो धोबी, माली माली। उसके बाद आता है साथी या मित्र जो कहते हैं साथी, साथी साथी साथी। तो उसके बाद आता है तेरी 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 तेरी। तो आप याद किए सबको, जब भी हम यहाँ पर धोबी यानी ई की मात्रा धीर ई की मात्रा यहाँ लगाते हैं, तो स्त्रीलिंग रूप करते समय वह छोटी ई की मात्रा बनाया जाता है सभी जगह, इस प्रकार बना इस प्रकार का। तो यह था अन्य लिंग रूप लिखिए, तो चार अन्य वचन रूप लिखिए, विलोम शब्द अन्य यानी विलोम शब्द चार और अन्य लिंग रूप लिखिए चार, यानी चार चार के लिए शब्दों के लिए दो दो अंक, दो दो छह अंक हुए छात्रों। तो इसके बाद आता है इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यह
दो दिए गए हैं, दो शब्द आपको दिए गए हैं और कौन से है यह वाक्य प्रयोग कीजिए कि ये केवल एक अंक है क्योंकि आधे आधे दिए गए हैं वह शब्द है। तो चलिए मुख्य प्रश्न को भी चलते हैं। मेन क्वेश्चन नंबर इज प्रश्न चार, वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए, में कौन से प्रयोग कीजिए। तो वाक्यों में प्रयोग कीजिए, इनमें पहला शब्द दिया गया था आपको प्रणाम, प्रणाम एक शब्द दिया गया, प्रणाम क्या दिया गया है, प्रणाम। तो प्रणाम में क्या है, हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, हमें भगवान को, हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो दूसरा आसान, लिखना आसान है, लिखना आसान है या पढ़ना आसान है, अब लिख सकते हैं, लिखना लिखना आसान है। तो देखिए छात्रों, यह थे वाक्यों में प्रयोग कीजिए, प्रणाम और आसान दो शब्द दिए गए थे जिनसे आपको वाक्य में प्रणाम है, हमें हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए। या ऐसे हम माता पिता को प्रणाम करते हैं, हम बड़ों को प्रणाम करते हैं, या आसान लिखना आसान है, पढ़ना आसान है, खेलना आसान है, हाँ। तो इस प्रकार यह दो वाक्यों के लिए आपको एक अंक प्राप्त होते हैं बच्चों। तो इसके बाद आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में छात्रों दो वाक्य दिए गए थे, भोलू ने अपनी पत्नी डैश से कहा। तो भोलू ने अपनी पत्नी डैश से कहा, अर्थात भोलू की पत्नी का नाम क्या है। तो चलिए तो फिल इन द ब्लैंक देख लेंगे छात्रों, वह है मुख्य प्रश्न पांच, खाली स्थान भरिए, यानी खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति अर्थात भरना है, खाली स्थानों को भरिए। तो देखिए छात्रों, तो खाली स्थान भरिए, इसमें जो पहला वाक्य था वह है भोलू ने अपनी पत्नी डैश से कहा। भोलू की पत्नी का नाम क्या है छात्रों, भोलू की पत्नी का नाम पता है हीरा, क्या किसे कहा, पहला उत्तर आपको लिखना था हीरा, भोलू ने अपनी पत्नी हीरा से कहा। दूसरा प्रश्न, हीरा का पेट फूलने लगा, डैश लगा, क्या लगा, फूलने लगा। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने इसको गलत लिखा है, फूलने लगा, आपको इस प्रकार फूलने लगा लिखना था, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने लिखा है ऐसा लिखा है फूलने, कुछ छात्रों ने फूलने इस प्रकार, यह दोनों जो जो छात्र लिखा है यह रॉन्ग है, यह गलत है, जीरो मार्क्स। क्योंकि फूलना यानी बलून की तरह गोल हो जाता है, उसको कहते हैं फूलना। जो शब्द शाह है पुस्तक में जो है यह सही उत्तर यही है बच्चों, अगर आप फूलने फूलने लिखे हैं तो गलत है, क्योंकि यह एक मार्क्स के लिए एक अंक के प्रश्न है, इसमें आपको प्रश्न आधा अंक नहीं दिया जा सकता, कट में यानी आधा अंक दिया नहीं जा सकता, क्योंकि मेन यानी मुख्य उत्तर यही है, यही लिखना है, आपने मुख्य उत्तर ही गलत लिखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो फूलना जो जिसने इस प्रकार लिखा है फूलने लगा, तो उनके लिए एक अंक मिलेगा, जिन्होंने इस प्रकार लिखा है उन्हें अंक नहीं मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार आज हमने देखा एफए वन का यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट वन का हिंदी प्रश्न पत्रिका। तो आपको इस प्रकार लिखना था, जिन जिन छात्रों ने लिखा है आप देख लीजिए, अगली बार ऐसा न हो याद रह दीजिए बच्चों, जब आप स्क्रीन पर लिखते हैं तो उसकी ई की मात्रा छोटी होनी चाहिए, इसकी धोपी या धोपी हुआ है, धीरे ई की मात्रा में अल्प प्राणी होते हैं वह है। देखिए साथी साथी, माली माली, तेली तेली ही है, तो माली माली तेली तेली इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए फूलने लगा, इस प्रकार आपको फूल लिखना है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ अगले परीक्षा में नहीं होना है, और जब भी आप परीक्षा लिखते हैं ईमानदारी से ऑनेस्टली बिना पुस्तक देखे पुनः देखे लिखने का प्रयत्न कीजिए, हम तो आपके पास नहीं रहते, फिर भी आप सबको हम सबको देखने वाला एक भगवान ऊपर बैठा है, तो आप इतनी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपके भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा है। तो देखिए
अगले कक्षा में फिर मिलेंगे FA2 रिविजन्स के साथ, जो है पार्ट 4 5 और 6, इन तीन पार्ट के ऊपर आपको FA2 परीक्षा ली जाएगी बहुत ही जल्द, तो उसके लिए तैयारी कीजिए और मैं अगली कक्षा में आपको फिर रिविजन स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में आप ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि आपका जीवन विद्यार्थी जीवन जो है बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टूडेंट लाइफ से गोल्डन लाइफ कहा जाता है, लेकिन सिर्फ कहने की बात नहीं बच्चों, वास्तव में ही स्टूडेंट लाइफ यानी विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक समय, हर एक मिनट, हर एक घंटा आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अगली परीक्षा के लिए तैयारी तैयार कीजिए। तो मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।